नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम मीन राशि वालों के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 30 अक्टूबर को, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और आपके लिए तो ये गोचर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके लगन में ही इसका गोचर होना है। मीन राशि में ही राहु महाराज गोचर करेंगे और वहीं कन्या राशि में केतु महाराज गोचर करेंगे। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन जिसके जीवन में आ सकता है, या कुछ भी नए चेंजेस आ सकता है, या जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है, वो मीन राशि है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोई राशि गोचर में रहने वाली है, जो लगभग 18 महीने का समय है वो आपकी ही राशि है। तो आपकी राशि में, जैसे वीडियो का टाइटल है, राहु महाराज और केतु महाराज आपसे क्या चाहते हैं, और इसी में ही छुपा हुआ है आंसर, या उसका उत्तर भी उसी में छुपा है कि फिर आपको क्या कुछ इस गोचर में प्राप्त हो सकता है। राहु का और केतु का जो 18 महीने का ये गोचर है मिथुन और कन्या राशि में, ये आपसे जो कुछ भी चाहेगा, अगर आप वो सब करते हैं, तो उसी के साथ ही फिर पूरे गोचर में आपको बहुत शुभ परिणाम यहां प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस गोचर की स्थिति के हिसाब से, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, अगर राहु और केतु का जो गोचर है, अगर आपके जन्मकालीन जो ग्रहों की स्थिति, अगर कोई मीन राशि में बैठे हैं, उसके ऊपर से जब राहु महाराज गुजरेंगे तो क्या कुछ परिणाम आपको दे सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो आरंभ करूं आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक बेल आइकन उसे प्रेस कर दें, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए लगन में आपके जो लगन केंद्र स्थान होता है, उसमें राहु महाराज जो है वो 30 अक्टूबर को आ जाएंगे। और जैसे ही यहां आएंगे, क्योंकि आपके लगन में आ रहे हैं, तो ये बात मान के चलिएगा, और केतु आपके सप्तम स्थान में है, तो लगन में जैसे ही राहु महाराज आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको इस पूरे 18 महीने का जो कार्यकाल है राहु का, इसमें राहु जो है आपको जमीन से लेकर के जो है आसमान तक पहुंचा देंगे, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। इतना जबरदस्त गोचर आपकी राशि पर होने वाला है। दो बड़े कारण उसके यहां नजर आते हैं। एक, अगर हम देखें तो लगन में जो राहु की स्थिति होती है वही उत्तम स्थिति होती है, चाहे हम वैदिक फिलोसफी को देखें, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो जो राहु की स्थिति नवम और दशम स्थान में होती है, वही स्थिति राहु की लगन में होती है। जब लगन में राहु आ जाते हैं, तो व्यक्तियों की जो जो ऊंचाई है उसकी कोई सीमा नहीं रहती है, वो किस लेवल तक आपको पहुंचा दे राहु महाराज मीन राशि वालों को, उसका कोई जो है वो कहना बहुत मुश्किल है, वो किस लेवल पर आपको पहुंचा दे। अब यहां पर आपको, क्योंकि केतु आपके सप्तम स्थान में है जो रिलेशनशिप का हाउस होता है, और कन्या राशि में है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि राहु महाराज आपसे चाहते क्या है और केतु महाराज चाहते क्या है, और फिर ये आपको कैसे जीवन में शुभ परिणाम देंगे। राहु महाराज इस समय लगन में गोचर कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में मीन राशि में, तो ये मान के चलिएगा कि इस समय जो आपका फोकस रहने वाला है, जो आपकी ऊर्जा रहने वाली है, जो आपका ध्यान केंद्रित रहने वाला है, वो अपने पे रहने वाला है। आप अपने को इतना महत्व देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने पर इतना महत्व देंगे, या अगर आगे बढ़ने का आपके अंदर जो जोश है, जो अभी इससे पहले आपको जब मेष राशि में राहु महाराज गोचर कर रहे थे, जो परेशानियां आपने झेली हैं, अब आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने ऊपर लगने वाला है। और इस अपने ऊपर ध्यान लगने के चक्कर में व्यक्ति कई बार जो होता है वो सेल्फिश हो जाता है, वो अपने ही बारे में सोचता है, स्वार्थी हो जाता है और दूसरों पर ध्यान नहीं देता है। और वहीं केतु आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए, सप्तम स्थान जो होता है वो रिलेशनशिप का होता है, संबंधों का होता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति आपकी, क्योंकि पूर्व जन्म में कहीं जब व्यक्ति को कोई रिजेक्शन मिलता है, वो कि प्रेम प्यार में धोखा खाता है, रिलेशनशिप उसके सही नहीं रहते, तो वो आपके मन में वो डर बना रहता है जब सप्तम स्थान में जिनकी भी जन्म कुंडली में केतु होगा, और इसीलिए वो संबंध बनाने में जो डरते हैं। तो यहां पर यह परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि इस समय आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने पे केंद्रित होगा, स्वार्थीनेस यहाँ पे आप जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, और इसकी वजह से आपके संबंध इस गोचर में कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। अगर आपकी ग्रहों की शुभ स्थिति है, उसको शुभ दृष्टि वहां पड़ रही है, देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, या सप्तम स्थान का लॉर्ड अच्छे हाउसेस में गया है, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी रिलेशनशिप में, परंतु आपको यहाँ अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं अगर स्थिति अच्छी नहीं हो तो। तो रिलेशनशिप्स पे आप पूरा ध्यान दें, अपने पे ज्यादा केंद्रित करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आपका जो फोकस है वो आप इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली अपने पे फोकस रहेंगे, और हर चीज को बहुत डीप में साइंटिफिक रिसर्च के तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, और प्लानिंग का जो स्तर होगा आपका वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत उन्नत किस्म का होगा। तो राहु सबसे पहले तो आपसे यही चाह रहे हैं
कि आप जो है अपने संबंधों को भी साथ लेकर के चले, उसमें बैलेंस बनाए। अब जो राशि है, सबसे पहले केतु की राशि को हम देखें। केतु जो है वो कन्या राशि में है, और कन्या राशि जो होती है वो डिसिप्लिन की राशि होती है, आपका रूटीन की राशि होती है, सर्विस की राशि होती है, प्लानिंग की राशि होती है, हर चीज को माइन्यूट डिटेल्स में करने की होती है। तो इस समय सबसे पहले तो आपको जो है वो रूटीन को बिल्कुल फॉलो करना है। नियम कायदे कानून को अगर आप पूरा इसके हिसाब से चलते हैं तो केतु महाराज इस गोचर में मैं अवश्य आपको कह सकता हूँ शुभ परिणाम देंगे। नियम कायदे कानून का मतलब होता है कोई जीवन में जो भी आपका एक नियम है, सुबह उठने का नियम है, सूरज को जल चढ़ाने का नियम है, या पढ़ने का नियम है, वॉकिंग का नियम है, जिम जाने का नियम है, उस नियम को आप पूरा पूरा फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन बनाइए अपने लाइफ में, हर काम को करने का एक तरीका, एक जो ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए। जैसे ही आप उसको फॉलो करते हैं तो केतु महाराज खुश हो जाते हैं, और कन्या राशि में गए हैं तो इसीलिए केतु महाराज वहां प्रसन्नचित हो जाएंगे। अपने रिलेशनशिप्स को, अपने संबंधों को, अपने रिश्तेदारों को, खासतौर पर जो अपने ससुराल पक्ष है या मायके पक्ष है, वहां पर उनके संबंधों को सुधारने की आप कोशिश कीजिए। तो केतु महाराज इस पूरे गोचर में आपको बहुत जबरदस्त लाभ देके जाएंगे, चाहे वो धन संबंधी लाभ हो, चाहे वो रिश्तों के संबंध में लाभ हो, चाहे आपको संतान प्राप्ति से कोई बन रहा हो, विवाह का कोई आपके चांसेस बन रहे हो, इन सभी में केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे देंगे। और दूसरा अब हम राहु को समझते हैं। राहु जो है वो मीन राशि में है, और मीन राशि मोक्ष की राशि होती है। 4, 8, 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का जो संबंध है, जल तत्व की राशि होती है, और ये राशि जो है वो मोक्ष की होती है। और मोक्ष के साथ साथ यहाँ इंट्यूशन भी होती है, देवी कृपा होती है, और यहाँ पे फिलंथ्रॉफी होती है, दान पुण्य, चैरिटी, किसी को कुछ जो जरूरतमंद है उसको कुछ दे देना, ये यहाँ पर चाहते हैं मीन राशि में कोई भी ग्रह जब जाता है। तो राहु महाराज जब यहाँ जाएंगे तो आपको ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने कहा कि आपको अपना स्वार्थ इस समय छोड़ना होगा, क्योंकि आप तो स्वतः ही आगे बढ़ेंगे। राहु आपको बहुत ऊंचाइयों को समय लेके जाएंगे, परंतु साथ ही साथ आपको दान पुण्य हो गया या लोगों को शोषण नहीं करना है, उनकी मदद करनी है, जरूरतमंद की मदद करने का इस समय ये बहुत अच्छा समय है। और राहु जैसे मैंने कहा कि मीन राशि में जो होते हैं और केतु कन्या राशि में, तो दोनों ऑपोजिट एक तरह से हैं, क्योंकि कन्या राशि में जाकर के राहु महाराज प्रसन्नचित होते हैं और मीन राशि में केतु महाराज प्रसन्नचित होते हैं। और राहु केतु एक तरह से सर्प है और उसकी पूंछ है, सर्प का मुख और पूंछ है, तो ये उल्टा हो गया है। तो ये समझ सकते हैं कि सर्प ने जो है अपनी जो पूंछ है उसको अपने मुंह में ले लिया है, तो ये उल्टा साइकिल बन रहा है। तो इस साइकिल को सीधा करने के लिए आपको जो है वो दोनों ही ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पे आपको दान करना है और यहाँ पे आपको एक रूटीन, डिसिप्लिन और एक नियमावली को फॉलो करना है। और केतु कन्या राशि में गए हैं, कन्या राशि जो होती है वो स्त्री शक्ति है या नेचर, मदर नेचर की शक्ति को बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी देवी की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, ये समय आपको केतु वहां से बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और ये मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा गोचर जो है आपको बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। राहु का जो राहु लगन में आपके आए हैं, फर्स्ट हाउस में आए हैं, मीन राशि में आए हैं, तो ये और गुरु की राशि में, सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु की राशि। तो गुरु आप ये की आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी देव गुरु बृहस्पति बैठे होंगे उसके हिसाब से फिर आपको ये राहु जो है वो शुभ परिणाम देंगे। और वहीं केतु की जो परिस्थिति होने वाली है वो बुध के हिसाब से है, जहां देखिए बुध कहां भी बैठे हैं आपके, वहां से आपको ऊर्जा मिलेगी, वहां से आपको शक्ति मिलेगी काम करने की, और उस शक्ति को आपने जो उसका व्यय करना है और उसको लगाना है वो आपको जहां आपके बृहस्पति बैठे हैं वहां पर उसको कीजिए। नवम साल में बृहस्पति बैठे हैं तो आप धर्म कर्म कीजिए, उसके अलावा उच्च अध्ययन की बात कीजिए। सप्तम साल में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति तो आप पार्टनरशिप की बात कीजिए, और उसके अलावा जो है आप विवाह से लाभ उठा सकते हैं, पार्टनरशिप से लाभ उठा सकते हैं, बिजनेस से लाभ उठा सकते हैं। तो ये परिस्थितियां बनने वाली है। और राहु के जो शुरू के 8 महीने हैं, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र को भोगेंगे, 8 महीने जो है वो रेवती नक्षत्र है, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 8 हैं, और उसके बाद 2 महीने जो है वो आपके पूर्व भाद्रपद के हैं। तो यहाँ पर ये जो शुरू के 8 महीनों का जो गोचर है मीन राशि वालों के लिए, 8 महीने बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन 8 महीनों में ही जो है वो आपका जो जीवन किस दिशा में 18 महीनों में रहने वाला है उसका निर्धारण हो जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक बहुत जो है वो उससे आप आगे बढ़े। और एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है वो अपने अनहत चक्र को जागृत करना है। अनहत चक्र मेडिटेशन के थ्रू आप इसको जागृत करने की कोशिश कीजिए। तो राहु की ये जो पोजिशन है आपको बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर दे करके जा सकती है।
उसके अलावा अगर ये ग्रहों की गोचरी स्थिति, अगर किसी आपके जन्मकालीन मीन राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको भी यहाँ ये जो है वो एक्टिवेट करेंगे, या उसको अग्नि प्रदान करेंगे, या उसको प्रज्वलित करेंगे, या उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे। जैसे अगर सूर्य महाराज आपके मीन राशि में विद्यमान है, मार्च अप्रैल में जिसका जन्म होगा उनके वहां आसपास ये रह सकते हैं सूर्य महाराज, तो आप देखिएगा कि इस समय आपका किसी उच्च अधिकारी से संबंध बनने वाला है, सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होने वाला है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। वहीं पर अगर इसका गोचर चंद्रमा के ऊपर होगा तो ये मान के चलिए कि इस वर्ष आपको विदेश जाने के अवसर मिलेंगे और जलीय क्षेत्रों की यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, और जिसका वाटर से रिलेटेड व्यापार करते हैं, आइसक्रीम का काम है, मिनरल वाटर्स का काम है, या उसके अलावा मर्चेंट नेवी में है, उनको लाभ की स्थितियां राहु यहां दिलाएंगे। मंगल के ऊपर गोचर हो रहा हो तो जो डिफेंस फोर्सेज में है, आर्म फोर्सेज में है, उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, उनको भी विशेष लाभ की परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। संतान प्राप्ति का ये बहुत उत्तम समय आपके घर में हो सकता है। शुक्र, अगर आपकी शुक्र के ऊपर से राहु महाराज का गोचर हो जाए तो आप समझ लीजिए कोई नया प्रेमी या प्रेमिका आपके जीवन में आ सकता है, और ये जो प्रेमी और प्रेमिका है ये हो सकता है कोई विजाती हो, आपके धर्म से अलग हो, आपकी जाति से अलग हो, आपके देश राष्ट्रीयता से अलग हो, विदेश से कोई व्यक्ति आपका पार्टनर बन जाए, आपके साथ लव हो जाए, ये स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से अगर इसका गोचर हो जाए राहु महाराज का, तो हर तरह से शुभ है। पैसों की, वित्त की इतनी अंबारी आपके जीवन में खड़े कर देंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत धन संबंधी मामलों में आपको बहुत लाभ की स्थितियां यहाँ पर ये खड़ी कर सकते हैं। शनि के ऊपर से राहु का गोचर हो जाए तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, नई इंडस्ट्रीज आप यहाँ खोल सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, नया प्रोफेशन आप यहाँ पे खड़ा करते हुए नजर आएंगे, नया व्यापार वाणिज्य बहुत फूलेगा आपका राहु की परिस्थिति अगर आपके जन्मकालीन शनि पर गोचर कर। और अगर राहु पे ही इसका गोचर हो जाए तो ये एक तरह से इसको राहु रिटर्न कहते हैं कि 18 साल का एक साइकिल या तो उसने कंप्लीट किया है, तो जिन लोगों की आयु 18 साल की है, 36 साल की है और 54 इयर्स के आसपास जो पहुंच रहे हैं, उनके राहु के ऊपर से फिर दोबारा से राहु का ये गोचर होने वाला है। तो आपके इस समय में जीवन में परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का ये समय होगा। जो पुराना कुछ धर्रा चल रहा है, जो पुरानी कुछ चीजें हैं, वो उस समय आपको छोड़नी पड़ सकती है, संबंध छोड़ने पड़ सकते हैं, कार्य व्यवसाय काम धंधा छोड़ना पड़ सकता है, और नई चीज आपके जीवन में होगी, नई ऊंचाइयां आप यहां से फिर जीवन में आगे प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो ये ग्रहों की अगर गोचर इस तरह से वहां पर हो रहा है तो ये आपको देने वाला है। और ये राहु का गोचर, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सेल्फ रियलाइजेशन का समय है, आत्म अन्वेषण का समय है। ये समय में आप देखिएगा मीन राशि में और लगन पे जैसी राहु आपके गोचर करेंगे, आपके भीतर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जिनको अभी तक आपने नकारा हुआ था, जिनको आप अभी तक कुंठित या दबाया हुआ था, ये आपको मालूम ही नहीं थी, उसको राहु महाराज आपके जो है वो बाहर निकाल देंगे। और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में है या ऊर्जा शक्ति वाले जो भी कार्य व्यवसाय होते हैं उसमें सफलताएं भी राहु यहाँ पर आपको दिलाएंगे। आप इस चीज को मान के चलिएगा कि आपको इस समय राहु के लिए दान पुण्य करने हैं, अपने स्वभाव को जो है वो अकोमोडेटिंग बनाना है, मतलब सभी को एक्सेप्ट करना है, किसी के प्रति जो है वो विद्वेष की भावना या शत्रुता की भावना नहीं रखनी है। और केतु वहीं आपसे जो है वो डिसिप्लिन, रूटीन या जीवन में जो है वो एक तरह से हर काम को करने के व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे आप, तो केतु वहां पर आपको फिर पूर्ण रूप से लाभ देंगे। और उपाय के स्वरूप जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपने अनहत चक्र को जागृत कीजिए। अनहत चक्र को जागृत करने पर आपका हार्ट चक्र जो है वो जागृत हो जाएगा, और फिर ये 18 महीने का गोचर आप देखिएगा आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, आपने इसका सोचा भी नहीं होगा। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ये मीन राशि में जैसे ही राहु महाराज जाएंगे वो सब उजागर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था मीन राशि वालों के लिए राहु का और केतु का जो गोचरीय स्थिति है उस पर एक चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।